स्पीकर महोदया, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया है। स्पीकर महोदया, मेरे क्षेत्र में प्रिंसेस रोड है, पीडब्ल्यूडी का रोड है, वहां पर उस रोड पर मेरे क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल जीडी गोयनका स्कूल, सृजन स्कूल, क्वीन मेरी स्कूल, डीएवी स्कूल, जीटीवी स्कूल, खालसा स्कूल, एसजीटीवी खालसा स्कूल, तमाम स्कूल वहाँ उस रोड पर हैं और जिसमें तकरीबन 15,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और ये मामला केवल मेरे क्षेत्र से संबंधित नहीं है, मेरे पड़ोस में तिमारपुर का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के भी बच्चे पढ़ते हैं, आदर्श नगर का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के भी बच्चे पढ़ते हैं, मेरे पड़ोस में वजीरपुर का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के भी बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले 1.5 साल पहले इस रोड पर पाइपलाइन डालने के नाम पर इस रोड को खोद दिया और खोद करके उस रोड को वैसे छोड़ दिया। बड़े बड़े गड्ढे जिसमें आए दिन रोज एक्सीडेंट होता रहा, वहां पर कोई सुरक्षा के मानक तय करने के लिए वहां पर सुरक्षा मानक नहीं लगाए गए और हालत यह रहा कि बड़े बड़े गड्ढे सालों तक खुदे रहे। बहुत एफर्ट किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में आया ये बात, उसके बाद थोड़ा सा उसको गड्ढे को बंद करने का काम हुआ। सभापति महोदया, आज भी वो रोड पिछले 1.5 साल से बंद है और जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे स्कूल के बच्चे वहां पे फंसे रहते हैं। ये लापरवाही जल बोर्ड की है और आज भी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, जो प्रोजेक्ट केवल 6 महीने में पूरा हो जाना था, दिल्ली के लोगों को उससे राहत मिलना था, पानी मिलता, वो प्रोजेक्ट ना केवल पूरा नहीं हुआ बल्कि दिल्ली के तमाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन के रह गया है। पीडब्ल्यूडी से बात करो, वो कहते हैं हमने तो उनको जो है हैंडओवर कर रखा है, इस सड़क को हम बना नहीं सकते। दिल्ली जल बोर्ड से बात करो तो वो कहते हैं जी वित्त सचिव ने फंड रोक दिया, हमारा कोई पेमेंट नहीं हो रहा ठेकेदारों का, हम काम नहीं कर पा रहे। अब मैं गुहार लगाने आया हूं अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से, उन 15,000 बच्चों की तरफ से गुहार लगाने आया हूं, सदन का ध्यान आकर्षित कराने आया हूं कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं अधिकारियों को तुरंत बुलाया जाए, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को। इस तरीके की घोर लापरवाही के लिए ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। 2-2 साल तक लोग जो है 3-3 घंटे तक, मुझे लगता है कि मेरे साथी भी इससे संबंधित, दिलीप भाई बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं, अभी पवन शर्मा जी पीछे बैठे हैं, वो सब लोग भी बोलेंगे, इतना लोग पेरेंट्स घर पे आ जाते हैं, लोग इतना दुखी हो रहे हैं। सभापति महोदय, इस पर तुरंत संज्ञान लें और तत्काल रूप से ये रोड बनाया जाना चाहिए विद इन मंथ और चालू हो, ताकि वहां जाम की समस्या से निजात मिले, बच्चे समय से स्कूल पहुंच पाए। 2-2 घंटे बच्चे लेट पहुंच रहे हैं सुबह के टाइम और घर जाने के लिए 3-3 घंटे लेट पहुंच रहे हैं। ये जल बोर्ड की लापरवाही की वजह से ये झेलना पड़ रहा है लोगों को। तो मुझे लगता है कि सदन के संज्ञान में आया, आपके संज्ञान में आया है, इसका समाधान निकलेगा और पूरा क्षेत्र इस सदन के प्रति अपना आभार व्यक्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।